हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टूडे इज दी पार्ट टू ऑफ एम सी क्यूज फॉर सेमेस्टर वन एक्सपेक्टेड एम सी क्यूज फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स पेपर वन फॉर ट्वेंटी 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 वन एग्जामिनेशन आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन सेशन ऑन दिस एम सी क्यूज ऑफ कॉमर्स पेपर वन अगर आपने वो नहीं देखा तो वो वीडियो भी देख लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ से आप चेक कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर वन डैश रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लॉस मेकिंग यूनिट इन टू अ प्रॉफिटेबल वन तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रैटेजीज है हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करता है स्ट्रैटेजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग अभी कंपनी में कभी लॉस होता है तो कभी प्रॉफिट होता है कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो लॉस में ही चले जाते हैं लॉस में ही चले जाते हैं और हमें क्या करना पड़ता है ऐसे कंपनीज को बंद करना पड़ता है या ऐसे यूनिट्स को क्लोज करने का टाइम आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम किसी लॉस मेकिंग यूनिट को प्रॉफिट मेकिंग यूनिट में ट्रांसफॉर्म करेंगे या फिर उसको प्रॉफिट मेकिंग यूनिट में लेके आएंगे ऐसे स्ट्रैटेजी को क्या बोला जाता है रीस्ट्रक्चरिंग टर्न अराउंड मर्जर या एक्विजिशन तो याद रखना इसको बोला जाता है टर्न अराउंड मतलब हमने एक यू टर्न ले लिया हम लॉस में जा रहे थे हमने यू टर्न लेके प्रॉफिट में आए तो उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करने पड़ेंगे उसी स्ट्रैटेजी को बोला जाएगा टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं डैश रिस्क आर द रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड ऐसे कौन से रिस्क है जो हम इंश्योर्ड नहीं कर सकते नंबर वन इंश्योरेंस नंबर सेकंड नॉन इंश्योरेबल नंबर थर्ड इंश्योरेबल नंबर फोर डिजास्टर काफी इजी आंसर है तो इसका राइट right आंसर है नॉन इंश्योरेबल रिस्क ऐसे रिस्क होते हैं जो हम इंश्योर्ड नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर डैश इज विद इम्पोर्टिंग ऑफ द गुड्स देन सेलिंग द सेम टू अनदर कंट्री तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट या इन देखो काफी सिंपल है अगर हम एक कंट्री से कुछ गुड्स को हमारे पास परचेस करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं इंपोर्ट कहते हैं अगर हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स को सेल करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं एक्सपोर्ट करते हैं बट बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट क्या पूछ रहा है कि इंपोर्ट करना किसी एक कंट्री से और उसमें कुछ चेंजेस करके उसको रीएक्सपोर्ट करना तो हमने अगर समझो यू एस ए से कुछ कमोडिटीज़ मंगाए उसमें हमने कुछ चेंजेस कर दिए और इंडिया से फिर हमने उसको अलग कंट्री में बेच दिया तो ऐसे केस को क्या बोला जाएगा ऐसे केस को बोला जाएगा इंट्रीपोर्ट ट्रेड तो इंट्रीपोर्ट इज कंसर्न विद इम्पोर्टिंग ऑफ द गुड्स देन सेलिंग द सेम टू द अनदर कंट्री क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं डैश इंडस्ट्रीज़ आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्टिंग मटीरियल्स और मिनरल्स कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग तो क्वेश्चन में ही इसका राइट right आंसर है एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स के बारे में पूछ रहा है या एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल्स के बारे में पूछ रहा है तो इसका राइट right आंसर बनेगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं एक्सट्रैक्शन करने का काम करते हैं मिनरल्स का तो बेसिकली दीज आर द इंडस्ट्रीज विच कंसर्न विथ एक्सट्रैक्टिंग मटीरियल्स या एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं डैश कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस और फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस फॉर्म मैनेजमेंट सराउंडिंग्स बिजनेस एनवायरमेंट या स्ट्रैटेजी तो इसे क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है बिजनेस एनवायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस एनवायरमेंट में दो टाइप के फैक्टर्स आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फर्दर एक्सटर्नल भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है माइक्रो फैक्टर्स और मैक्रो फैक्टर्स ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स में जाते हैं मिशन एंड ऑब्जेक्टिवस आर पार्ट ऑफ विच एनवायरमेंट मिशन एंड ऑब्जेक्टिव कौन से एनवायरमेंट का पार्ट है इंटरनल एक्सटर्नल माइक्रो या मैक्रो तो मिशन और जो ऑब्जेक्टिव्स है जो कंपनी के विजन्स है वो किसका पार्ट है वो पार्ट है इंटरनल एनवायरमेंट का दैट इज द पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं द एनवायरमेंट विच रिलेट्स विद साइज डेंसिटी एंड लिटरेसी रेट इज़ कॉल्ड एज नैचुरल इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट याद रखना जहाँ पे एज सेक्स पॉपुलेशन डेंसिटी साइज अर्बन रूरल लिटरेसी रेट इसकी बात की जाएगी दैट इज़ बीन रिलेटेड विद डेमोग्राफिक एन्वायरमेंट तो वो किससे रिलेटेड पार्ट है वो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड पार्ट है जहाँ पर मेल फीमेल की बात की जाएगी तो वो सारे चीज़ों से रिलेटेड जो एनवायरमेंट है दैट इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक एनवायरमेंट क्वेश्चन नंबर एट हुज द वन सिक्सटी फोर्थ मेंबर टू ज्वाइन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू टी ओ इंडिया पाकिस्तान नेपाल या अफगानिस्तान तो आपको याद रखना है सबसे लास्ट में डब्ल्यू टी ओ को ज्वाइन करने वाला कौन है अफगानिस्तान है अफ़गानिस्तान इज़ द राइट right आंसर अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया डब्ल्यू टी ओ एज वन सिक्सटी फोर्थ मेंबर कंट्री ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नाफ्ता नाफ्ता का फुल फॉर्म क्या है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज़ एन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन यूएसए कनाडा एंड सिंगापुर यूएसए कनाडा एंड स्विट्जरलैंड यूएसए कनाडा एंड रशिया यूएसए कनाडा एंड मेक्सिको तो राइट right आंसर है इसका यूएसए कनाडा तो सब में है आपको सिर्फ एक ही कंट्री इसमें से याद रखनी है यूएसए एस कैनेडा एंड मैक्सिको यूएसए एस कैनेडा एंड मैक्सिको तो राइट right आंसर क्या है इसका यूएसए कनेडा एंड मेक्सिको क्वेश्चन नंबर टेन डैश इज अ ट्रेडिंग ब्लॉक कंसिस्टिंग ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज सार्क ओपेक नाफ्ता ईयू सबसे पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताता हूँ सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज गल्फ कंट्रीज उसमें आएंगे नाफ्ता अभी हमने पढ़ा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ईयू दैट इज यूरोपियन यूनियन तो इसमें से साउथ एशियन वाला कौन सा है अगर आपको पता नहीं होगा तो भी एस से साउथ एशियन होता है तो इसका राइट आंसर है सार्क सार्क इज द राइट आंसर फॉर साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए जो ट्रेडिंग ब्लॉक है जो ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने का काम करता है आपस में ट्रेड बैरियर्स ना रहे ताकि ट्रेड बैरियर्स रहेंगे तो फिर फ्री फ्लो ऑफ द ट्रेड नहीं होगा इसीलिए डब्ल्यू यही काम करता है कि जो ट्रेड में हमने रेस्ट्रिक्शंस डाल के रखे रहेंगे उसको हम कम करेंगे तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अभी लाइक कर दे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले आप ही का फायदा है उसमें आपको अगली बार नोटिफिकेशन टाइमली आ जाएगा और टेलीग्राम में चैनल है लास्ट मिनट रिविजन विद दारे उसको ज्वाइन कर ले सारे पीडीएफ्स में वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर